सो हेलो माय लवली ऑडियंस, तो अगर आपको HTML और CSS के बेसिक्स आ चुके हैं और थोड़े बहुत आपने डिजिटल मार्केटिंग के भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑनलाइन कर लिए हैं, अब आप एक जगह ढूंढ रहे हो कि इनको ऑनलाइन कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे जैसी चीज़ें हमने उन कोर्सेज में सीखी हैं कि पैसे जनरेट होते हैं, अपना पेज रैंक करता है ऊपर, अपनी चीज़ें और लोगों तक दिखती हैं, अपने प्रोडक्ट को और एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन कोर्स में देखी होंगी बट इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी, राइट? तो अभी इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव यही है। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, द बिगिनिंग एंड द एंडिंग। तो बिगिनिंग में डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट दोनों को मिक्स करके एक इंडस्ट्री को टारगेट करके हमारे खुद के लर्निंग और अर्निंग कर्व को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना। देन सेकेंड जो पार्ट होगा वीडियो का, द एंडिंग, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाऊंगा कि बिगिनिंग में मतलब कि एक बिजनेस को हमने पकड़ा, उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को प्रिपेयर किया, रिसोर्सेज लगाए एंड अपनी स्किल को इतना अच्छा कर लिया कि अब हम अपने स्किल से लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू प्रोवाइड करने लगे हैं। तो सारी चीज़ें बिगिनिंग में, हाँ बिगिनिंग में इतना भी दिखाऊंगा कि क्लाइंट्स को अपनी सर्विस बेचनी भी कैसे है। देन सेकेंड पार्ट में वी आर गोइंग टू कवर दी मार्केटिंग एस्पेक्ट। अब उस बिजनेस को हमने ऑनलाइन तो लिया है, अब उस बिजनेस के लिए पैसा कैसे जनरेट करें, राइट? सो ये चीज़ें हम वीडियो के दूसरी पार्ट में कवर करेंगे द एंडिंग में, कि अब बिजनेस अच्छे से ऑनलाइन एस्टैब्लिश हो चुका है, अब उस बिजनेस को पैसे कमा के दिए जाए। तो सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पर चलकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे स्टार्ट करनी है चीज़ें, तो उसके लिए फिर चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ, राइट? सो इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, राइट? कम ऑन। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डेंटिस्ट, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो जो कोविड का टाइम था 2060, आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं पे लिखा होगा कि भाई 6% डिक्लाइन हुआ है, कहीं पर लिखा होगा कि इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ ऐसी चीज़ें, ऐसी न्यूज़ जब आए कि मिक्स मिले, तो इसका मतलब कि दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही है, कोई बिजनेस डाउन भी जा रहे हैं, कोई बिजनेस अप भी आ रहे हैं। तो डेंटल क्लिनिक से क्यों मैंने लिए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। अगर कोई और नीश हम लेते हैं हेल्थ केयर में, जैसे कि जनरल सर्जन हो गए या फिर पीडियाट्रिक केयर हो गए, ये सब, तो ये सारे ना ब्रांचेस आपको हॉस्पिटल में भी मिल जाएंगे, अच्छे खासे हॉस्पिटल में। बट जैसे ENT होते हैं, डेंटल होते हैं, इनकी स्पेशलिटी जो होती है ना हॉस्पिटल में कम होते हैं, एक नाम के कोई चेंबर होता है वहाँ पे, बट जो काफ़ी रिनाउंड डेंटिस्ट होते हैं या फिर बहुत रिनाउंड ENT डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके खुद के क्लिनिक्स होते हैं। तो डैट्स वाई मैंने डेंटल क्लिनिक चूज़ किया है। और एक दूसरी बात, जब भी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना पूरा प्रोसेस कि डेंटल क्लिनिक को हमें कैसे अप्रोच करना है, हमें क्या क्या चीज़ें उस पर करनी है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट क्लाइंट नीड्स, ठीक है? तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि भाई किसी को भी ना, किसी को भी वेबसाइट के मोटिव से वो नहीं आता। बहुत रेयर लोग होते होंगे कि हाँ मुझे वेबसाइट ही चाहिए, उनके माइंड में जो सेकेंड थॉट होती है, जो उनके सेलिब्रम में कहीं ना कहीं एक जगह अटकी होती है, वो होती है कि क्या इस वेबसाइट से मेरे बिजनेस में कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो हमें उस प्रोसेस से सोचना है कि क्या हम अपनी सर्विसेज या अपने स्किल से उसके बिजनेस में ग्रोथ दे पा रहे हैं कि नहीं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना कि हमें अपनी हमारी स्किल है वेबसाइट डेवलपमेंट, तो हम A to Z वेबसाइट बना देंगे। गाइस, वेबसाइट डिजाइनिंग ऑब्सोलीट हो चुकी है। चलिए, वेबसाइट लोग बनवाएंगे, अगले 5-10 साल लोग बनवाएंगे, बट वेबसाइट डिजाइनिंग इज ऑब्सोलीट। नो वन नीड्स वेबसाइट डिजाइनिंग। वो बस एक जरिया होता है कि उसके बिजनेस को थोड़ी और ग्रोथ कैसे मिले, ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया, डेंटल क्लिनिक्स पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें डेंटल क्लिनिक को रीच आउट करना पड़ेगा, ठीक है? ये देख रहे हो ऊपर टैब सारे मैंने खोले हुए हैं, वो बोरिंग सा प्रोसेस नहीं बताऊंगा कि गूगल मैप से देख के कॉल कर लो। गूगल मैप आपकी हर जगह हेल्प करने वाला है, तो गूगल मैप हर एक वीडियो में आपको दिखेगी। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हमें डेंटल क्लिनिक के पास जाना है और उसको हमें बेनिफिट प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो उससे पहले ना एक चीज़ आप ये सोच लो कि ये जो डेंटल क्लिनिक्स हैं, इनका मेन वो तो वही है कि इनको पेशेंट चाहिए, बट क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वेबसाइट पर आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो कि 10-20 पेज बना दिए, क्या वो काम भी आते हैं कि नहीं? तो मेरा पॉइंट ये है कि ऑलवेज डू अकॉर्डिंग टू द व्हाट द क्लाइंट नीड्स। देखो, डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट में सबको ये लगता है कि हमने वेबसाइट के लिए हमने रिक्वायरमेंट ले ली, वो रिक्वायरमेंट हमने चैनलाइज कर दी एक अपने HTML और CSS कोड में। और डिजिटल मार्केटिंग में लगता है कि भाई हम एड्स लाएंगे और उसको लीड्स लगे देंगे, तो बिजनेस कोई भी हो लीड सेम होंगी, बट ऐसा नहीं है। हर एक इंडस्ट्री को आपको अलग से समझना पड़ेगा। डेंटल क्लिनिक्स में अगर हम पर्टिकुलर डेंटल क्लिनिक्स में घुसें, तो हमें डेंटल क्लिनिक्स में समझना पड़ेगा कि भाई डेंटल क्लिनिक्स में मोस्टली वही लोग आते हैं जो नियर बाय होते हैं, नियर बाय, यस।
और कोई अच्छा फेमस डेंटिस्ट है तो दूर से भी आ सकते हैं, बट 90% ऑफ द केसेस अगर मान लो क्लोव डेंटल है तो इसके नियर बाई लोग ही यहाँ पे आएंगे, राइट। तो हमें अपनी सारी जो भी मेहनत करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि हमें नियर बाई लोगों तक रीच पहुँचानी है, नियर बाय, ना कि पूरी दिल्ली, ना कि पूरी इंडिया, ना कि हम वर्ल्ड की सबसे अच्छे डेंटल क्लिनिक की वेबसाइट बनाते, नहीं, हमें नियर बाय लोगों तक पहुँचना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें अपना माइंडसेट फोकस करके चलना है। सबसे पहले डेंटल क्लिनिक्स आप ढूंढ लेना, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम को बोलूँगा 50 डेंटल क्लिनिक्स के डेटा निकाल लो। डेटा में आप क्या क्या निकालोगे, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। एक गूगल ड्राइव पर जाके आप एक एक्सेल शीट बना लो, ठीक है। देखो मैं भी ऐसे ही करता था पहले, तो अगर मैं डेंटिस्ट वाले सेक्शन में जाऊँ तो एटलीस्ट पहले तो देखो फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर निकालते टाइम ना ये देख लेना कि भाई फ़ोन नंबर क्या है, वो उसके व्हाट्सएप पे है या फिर उसका लैंडलाइन नंबर है। लैंड नंबर नहीं चाहिए, लिंक मतलब गूगल मैप का लिंक, रिव्यू ज़रूर मेंशन कर लेना कितने रिव्यूज़ हैं गूगल, और कुछ अगर आप खुद से लिखना है जैसे कि अगर मैं ये डेंटल क्लिनिक सर्च कर रहा हूँ तो फर्स्ट पे आ रहा है, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप एक शीट प्रिपेयर कर लेनी है, मिनिमम 50 लोगों की शीट, ठीक है। उसके बाद आप इनको ना कॉल करना स्टार्ट करोगे, तो जो लाल लाल आप करते हैं ना कि कॉल रिजेक्ट कर रहे या फिर उनको नहीं चाहिए, तो उनको आप रेड रेड मार्क कर सकते हैं, एंड जिन्होंने मान लिया कि ओके मीटिंग के लिए आ जाइए तो उनको ग्रीन कर दीजिए और टाइम ज़रूर मेंशन कीजिए। और जो कोई लोग बोलेंगे कि प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दो और मेरे को इस दिन रिमाइंड कराना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेना। ये हमारा काम हो गया, हमने क्लिनिक की लिस्ट निकाल ली, अब हमने डेटा निकाल लिया, आप कॉल भी कर लिया। मान लो एक दो पेशेंट की अपॉइंटमेंट आई है, नॉट सेइंग कि बुक हो गए, अपॉइंटमेंट दिया है कि ओके आप क्लिनिक पे आके समझा जाओ, तो आपको क्या करना है, पहले ना अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना के चलना है। ये नहीं कह रहा आप एक वेबसाइट बना लो, आप सिंपली अपना गिटहब, आप अपना लिंक्डइन, कुछ पे भी थोड़े लोकल प्रोजेक्ट्स पे, यानी कि मतलब एचटीएमएल कोड डाउनलोड करके उसी पे एडिट करके डेंटल क्लिनिक के हिसाब से उसको बना के रख लो और उनको दिखा देना अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अगर नहीं तो आप पुराने क्लाइंट्स के भी काम दिखा सकते हो। तो ये तो हो गया, हमें अपना क्लाइंट मिल गया, ठीक है। अब क्लाइंट के पास जाके नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइसिंग, वो प्राइसिंग पूछेगा आपसे कि प्राइसिंग क्या है। तो कभी ना सिंपल मत बोलना कि वेबसाइट की ये प्राइस है ये प्राइस है, ऑलवेज ट्राई करो। मेरा खुद का ट्राई एंड टेस्टिंग मेथड है, अगर मैंने 5 लोगों को सिंपल प्राइस बोली है और उन और अलग 5 लोगों को मैंने एक पैकेज दिया है, तो पैकेज वाले 5 लोगों में से 3 लोग ले लेते हैं और सिंपल प्राइस वालों में से या एक या दो या कोई भी नहीं लेते, ठीक है। तो पैकेजेस कैसे बनाने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पैकेज कुछ नहीं होता, आपको बेसिकली ना आपकी बेस्ट सर्विसेज का एक मिक्सचर बनाना होता है और वो आपको सेल करना होता है। लाइक अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट बुकिंग डायनामिक वेबसाइट फॉर क्लिनिक, ये मिलेगा। लोगो एंड क्रिएटिव्स मिल जाएंगे, मतलब वही बैनर के जो इमेजेस होते हैं ऐसे ऐसे वाले। देन 1 ईयर डोमेन होस्टिंग इंक्लूडेड, ठीक है। देन एनुअल मेंटेनेंस, इसमें बेसिकली छोटा मोटा चेंजेस जो बोलते हैं वही होता है एनुअल मेंटेनेंस। 1000 रुपये के एड्स हम रन करेंगे लोकल क्लिनिक पे। ये वीडियो का दूसरे पार्ट में मैं कवर करूँगा कि अभी हम लोग इसकी एड्स चला के इसको रेवेन्यू कैसे दे, तो ये दूसरी पार्ट में। देन 3 कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट और प्रीमियम डिज़ाइन, तो ये होता है बेसिकली एक पैकेज। तो ये पैकेज आप देख लो, 12,000 रुपये मैंने अभी प्राइस किया हुआ है, आप अपने हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पैकेज। अब जब वो काम मिल चुका है, सपोज उसने वेबसाइट बोला, ये वाला पैकेज ले लिया मान लो उसने, तो हमें तो पहले देखो इसके लिए क्या चाहिए, वेबसाइट है ना। वेबसाइट चाहिए कि इन फ्यूचर कोई भी चीज़ होगी, मार्केटिंग होगी, कुछ भी होगी, तो वेबसाइट बेस होगी। तो वेबसाइट ना आपको कैसे बनानी मैं बताता हूँ। सिंपली आप जाना, ये एक टूल है app.toolninja, इसके अंदर आपको भर भर के ना पेड टूल्स मिल जाएंगे, SEO से लेके डिजिटल मार्केटिंग से लेके कंटेंट क्रिएशन से लेके AI राइटिंग टूल से लेके हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेगा ये इवांटो एलिमेंट्स, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इवांटो एलिमेंट्स में जाके हम लोग सिंपली सर्च करेंगे डेंटल, तो यहाँ पे ना आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स आ गई आपके पास, वेब टेम्पलेट्स आ गए। अब डिपेंड आपको ये करना है कि बहुत ही बेसिक सा क्लिनिक है, वो ज़िंदगी में शायद ही कुछ अपडेट कराएगा, तो उसके लिए आप सिंगल स्टैटिक HTML पेज का एक वेब टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू खोल के ना उसको दिखा सकते हैं पहले कि 5 आपने प्रीव्यू ले लिए इसके, प्रीव्यू लिंक्स एंड को दिखा दिए, फाइनलाइज करा लिए कि कौन से डिज़ाइन पर आप काम करेंगे। सेम ऐसे ही अगर डायनेमिक है, चांसेस है कि ऑनलाइन बुकिंग्स लिए वो ऑनलाइन पेमेंट्स लिए, तो आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। वर्डप्रेस में भी आप सेम यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स अच्छे अच्छे मिल जाएंगी, फ्री थीम्स हैं, और ये जो पैकेज मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। आई थिंक 550 रुपये 550 रुपीज़ पर मंथ है, और जितने टूल्स हैं उन टूल्स की वैल्यू 30,000 to 40,000 रुपीज़ है पर मंथ, इतनी सारे टूल्स की, ठीक है।
तो ये तो हुआ हमारा वेबसाइट एग्जाम, हमने डाउनलोड कर लिया। अब आपको पता ही होगा कि अब मैंने क्या कहा था, HTML के बेसिक्स और CSS के बेसिक्स आनी चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस में तो चलो वो भी नहीं थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बट आप अगर स्टैटिक पे काम करो तो वो चीज़ आनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने वेबसाइट का काम स्टार्ट कर दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रंट पेज जो हम डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट का, फ्रंट पेज वो बहुत बहुत सिंपल होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि वी गोना ट्रीट दैट पेज एज अ लैंडिंग पेज। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक लैंडिंग पेज का एग्जांपल, लेज़र एंड लैप्रोस्कोपी, ये क्लिनिक मैंने सर्च किया और ये क्लिनिक मैंने सर्च किया, ये भी एक लेज़र है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी एक वेबसाइट हम खोल लेते हैं, ये एक है और ये देखिए, ये कितना मतलब आप एक पेज लगा लीजिए, इसके ऊपर ही ना वो है लीड की डिटेल फेच करने के लिए। तो ऐसा कुछ हमें लैंडिंग पेज बनाना है कि हम ऊपर ही ऊपर सारा काम कर लें, हम डिटेल्स ले लें, उसके बाद जो भी है, जो भी विजिटर आए वेबसाइट पे वो नीचे आगे पीछे घूम ले। अब यहाँ पे आप देखो, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, ये भी एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, बट यूज़र आएगा तो उसको पहले बुक अपॉइंटमेंट में जाना पड़ेगा, फिर वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। आई मीन टू से ये भी अच्छी वेबसाइट है, बट ट्राई करना कि अगर इसको इन फ्यूचर कैंपेन्स लाने हैं तो फ्रंट पेज कुछ ऐसा हो कि आप फ्रंट पेज पे ही डिटेल ले लें, ज़्यादा चीज़ें एलिमेंट ना हो। देखो फ्रंट पेज ही है, इतना सा खुला, अब ये डिटेल फिल करने के बाद पेशेंट नीचे जा सकता है कि ओके डेटा है देख लेता हूँ। तो ऐसे करके आपको पेज डिज़ाइन करना है। जो होम पेज होगा उसमें बहुत कम एलिमेंट्स होंगे और टू द पॉइंट एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे ये चीज़ मुझे गलत लगी, यहाँ पे ये लोग अपनी जो टॉप सर्विसेज हैं लाइक ये जो ट्रीटमेंट्स है ये लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते थे, बट कोई नहीं, आप आई थिंक समझ गए। तो यहाँ तक तुम्हारा वेबसाइट का काम हो गया, ठीक है, आपने वेबसाइट बना ली। इसका टाइम आपको लगना चाहिए मिनिमम, अगर सारा कंटेंट वो दे दे जो कि क्लिनिक है वो सारा कंटेंट दे दे, तो मिनिमम 2 to 3 days में आपको अपने एंड से 100% काम ख़त्म कर देना है। उसके बाद वो चेंजेस बताएंगे कि ये हेडिंग चेंज करो, यहाँ पे ये चेंज करो, वहाँ पे ये फ़ोटो लगाओ। वो उनको हम रिविजन्स काउंट करते हैं, उनको हम ये नहीं बोलते कि वो चेंजेस हैं, दे आर नोन एज रिविजन्स, ठीक है। तो अपने एंड से लेआउट, अगर बुकिंग सिस्टम है तो प्लगइन्स का काम, पेमेंट गेटवे है, वो सब आप 2 to 3 days में फिनिश कर दो। पर डे 3 to 4 hours लगेंगे। तो ये सारा काम होने के बाद अब मेन काम आता है हमारा, ये हमारा काम हो गया सारा, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ये वाली 3 keywords ऑप्टिमाइज वेबसाइट। तो वो क्लिनिक जहाँ पे हैं, अगर मान लो हम इस क्लिनिक की वेबसाइट बना रहे हैं तो ये क्लिनिक कहाँ पे है, ये जो भी एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया के हिसाब से आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है अफोर्डेबल रूट कैनाल इन उत्तम नगर, ऐसे कीवर्ड्स आपको अपने लैंडिंग पेज या जितने पेजेस उसमें लगाने हैं, ठीक है। साथ में साथ काम करते चलोगे तो काम ईजी रहेगा, बाद में अगर कीवर्ड्स चेंज करने के लिए बोलते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए स्टार्टिंग से चलो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उत्तम नगर एरिया को ही टारगेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक मार्केटिंग टेक्निक ऐसी जिससे आप अपने क्लाइंट से गारंटीड अपॉइंटमेंट के हिसाब से उनसे चार्ज कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखते हुए मैंने आपको इतना बता दिया है कि पेशेंट की वो क्लाइंट को कैसे रीच करना है, उसके बाद थीम कैसे सिलेक्ट करनी है, उसके बाद उसको लाइव कैसे करना है। डोमेन नेम और होस्टिंग आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, namecheap.com। आई यूज़ दिस बेस्ट लगता है मेरे को। यहाँ पे हम एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप होस्टिंग में जाके ना शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं, अनलिमिटेड वाली, ये वाली होस्टिंग आप ले सकते हैं। 2600 rupees की आपको पड़ेगी पहले साल, उसके बाद में भी महंगा हो जाएगा, बट इसमें क्या है, अनलिमिटेड डोमेन्स आपको मिल गए, अनलिमिटेड वेबसाइट इस होस्टिंग के अंदर आप चला सकते हो। तो पहले होस्टिंग के पैसे आप क्लाइंट से ले लो, उसके बाद इसी होस्टिंग में अलग अलग क्लाइंट्स को आप देते रहो। जैसे कि मैंने आपको कहा था ऑफर, फ्री होस्टिंग फॉर 1 year एंड फ्री SSL फॉर 1 year, लाइक दैट आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसी वेबसाइट के ऊपर, जो भी हमने एक वेबसाइट बनाई है डेंटिस्ट की, उस वेबसाइट पे हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो एंड लेट्स